अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, मैं अनिल कुमार, आपका स्वागत करता हूँ अपील न्यूज पे। जैसे पूरे भारत में किसान विरोध आंदोलन चल रहा है, हम बीजेपी के सेक्रेटरी सुखपाल सिंह सराह जी से पूछेंगे कि क्या इस बिल में की खासियत है। एग्रीकल्चर जिहड़ा खेती नाल संबंधित आर्डिनेंस बिल आए हैं, तीन बिल आए हैं, वह किसानों के रिफॉर्म के लिए और परफॉर्म के लिए, क्योंकि अज तक 60-70 साल सरकार ने किसान वल ध्यान नहीं दिता। असी इको गल पुछते हैं किसानों भी जिहड़े विरोध करके उकसा रहे किसानों कि अगर जो पहलियां सरकारां ने यह बिल लेके आंदे सीगे जां इह कानून सीगे, अगर वह चंगे सी तां फिर किसान की तरक्की क्यों नहीं हुई, मजदूर की तरक्की क्यों नहीं हुई और खेतीबाड़ी नाल जुड़े हुए व्यापारी की भी तरक्की नहीं हुई। इस बिल दे विच ऐसा कोई शब्द, ऐसे कोई कानून की कोई गल होवे तो साडे नाल सांझी कर, यह बिल तुहाडा इस तरीके नाल किसान विरोधी आ, मजदूर विरोधी आ, जां व्यापारी विरोधी आ, जां मंडी विरोधी आ, लेकिन वो उन्होंने दसना नहीं, उत्थे उन्होंने को दसन कुछ नहीं है। असी बार बार माननीय प्रधानमंत्री जी अपील करते हैं, इस तो पहला भी बुलाया गया सीगा कानून आर्डिनेंस आने तो पहला सारिया किसान जथेबंदियों भी, राजनीतिक पार्टियां भी, जिदे कैप्टन अमरिंदर सिंह जी का 2017 का उन्होंने मैनीफेस्टो है, वो मैनीफेस्टो के साफ साफ उन्होंने ये लिखा हुआ कि असी प्राइवेट मंडिया करा, सरकारी मंडिया चक देवे, यानी नीयत और नीति कुछ होर, दसना कुछ होर, करना कुछ होर और करवाना कुछ होर। ये कांग्रेस जी पुरानी नीति है, वो समाज भी समझ चुके है, देश के दे नौजवान भी समझ चुके, अज जो देश आर्थिक तौर पर पिछड़िया और जो समाजिक तौर पर निगरत आई है, ये कांग्रेस का बहुत बड़ा हाथ है। ये जो बिल है ये किसान पक्षी भी है, इनू पढ़ना चाहिए। मैं अपील करता है सारिया जथेबंदियों किसानों को भड़कन ना, ना किसी भड़कावे विरोध कर रही राजनीतिक पार्टियां जिन्हों की राजनीतिक जमीन फुस गई है और वो तुहाड़ी आड़ दे विच अपनी राजनीतिक जमीन तैयार करने लई तुहानू अगे कर रही है। इन्हां दे कदे भी गुमराह करन प्रचार तो आने पहले कानून पढ़िया जाए, बिल पढ़िया जाए, जां कोई तुहानू इहदे विच कमी लगती है, त्रुटि लगती है, ऐसे अंदोलन करन दी बजाए वो बैठ के मेरे ते दसना असीं तैयार हैं। प्रधानमंत्री जी ने किन्ने वारी कहा कि आओ बैठो साडे नाल, कोई दसो, कोई सुझाव दिओ, चंगा सुझाव दिओ। हो सकता है कि अज देश दे विच 135 करोड़ की जिहड़ी आबादी आ उहदे च बहुत वड्डे वड्डे अर्थशास्त्री हैगे आ, उह अगे आउण। प्रधानमंत्री जी बार बार अपील करते हैं कि जिहड़े साडे देश दे नौजवान है वो देश की आर्थिक तरक्की विच योगदान पाउण, सहयोग करन। खेतीबाड़ी मंत्री साडे माननीय तोमर जी है, नरिंदर तोमर जी, वह बार बार अपील करते हैं कि आओ बैठो साडे नाल टेबल टॉक करो, लेकिन टेबल टॉक की बजाए यह आके पब्लिक नूं गुमराह कर रहे हैं। और इन्हों का इको एक मुख मकसद है, जो किसी तरीके जो इन्हों के भ्रिष्टाचार के लिप्त हुई थी कांग्रेस सरकार, जिहड़ा प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने कहा सी कि करोना नूं अफसर के रूप के बदलना, अफसर का कहने का भाव सुनना था कि देश में आत्म निर्भर बनाना, रोज़गार के वध तो वध साधन पैदा करने, और इन्होंने उस आपदा अफसर के बदले करप्शन की, जिहड़े साडे दलित समाज के बच्चे जिन्होंने 1200 करोड़ रुपया वजीफा आया वो सारे का सारा निकल गया। साधु सिंह धर्मसोत मंत्री उन्होंने बचाने के लिए फिर शराब दे किड्डा वड्डा कांड हो गया, पहला सारी पुलिस को करफ्यू के दौरान शराबा बेचन च लाया हुआ सी, सारा CI स्टाफ अगे जिप्सी ला के शराबा बिकाउंदा सी, लेकिन फिर जो इन्हां दीआं नकली फैक्ट्रियां फड़ियां गईआं इन्हां दे MLA MP दीआं, तो इन्हां ने बचण दे लई एक होर जहरीली शराब बना के अमृतसर वाले पासे 130 जानां ले लईआं, तां जो
एक ध्यान भड़क जाए कि यह जी नकली शराब बनी है जाली जहरीली शराब बनी है आम पब्लिक ने बनाई है, जदों के असल दे विच इहदे विच बहुत वड्डी साजिश सीगी कि साढ़े जिहड़े एम एल ए एम पी फस रहे इन्हां तों ध्यान भड़क जाए महीना दो महीने तीन महीने कि समाज उन तों लग लो, पर देश के नौजवान पंजाब के नौजवान खास तौर पर यह भड़कने वाले नहीं है, समझने वाले है और आने वाले समय के कांग्रेस में यदा सब कुछ सिखाएंगे। जिमें जैसे कि आपसे किसी किसान जत्थेबंदी ने रबता किया है, क्या आप अपनी उनकी बात प्राइम मिनिस्टर तक लेके जाए? नहीं, अभी तो अपील की है किसान जत्थेबंदी आओ, मैं बैठा कितने मैं बुला आने तैयार है। साडा पंजाब प्रधान मान्य अश्विनी शर्मा जी वो बार भी अपील करते पे है कि सानू जिथे बुलाओगे सानू कोई डर नहीं किसी का भय नहीं, असं प्यार कहने भी तुसी जिथे बुला चाहते हो असं थोड़े ना पंजाब बैठना चाहते हैं, दिल्ली च बैठना चाहते हैं, किसी के घर बैठना चाहते हैं, उत्थे बैठने लिए तैयार हैं, पर मसौदा तो तुम तैयार करो ना कि सानू आह पॉइंटा से क्लैरिफिकेशन चाहिए है आदि गलत है इस विषय कहने। जो तुम राजनीति करनी है को ना मानू वाली गल करनी है वो गल वक्री है, अदरवाइज साढ़े दरवाजे सदा खुले है, असं दोनों हथां खुलियां बहां इंतजार करते हैं कि पंजाब का माहौल खराब करने की बजाय अज पंजाब रिफॉर्म वल भी जा रहा है, परफॉर्म वल भी जा रहा है, रुजगार के नवे साधन पैदा होंगे उसका स्वागत करना चाहिए, नौजवानों सीधे रस्ते पाना चाहिए, भड़का चाहिए। पंजाब का माहौल बड़िया बलिदान दे के शांत होया सी और उसनों दोबारा ये एक साजिश के तहत भड़का चाहते नौजवानों और दोबारा राजकता फैलाना चाहते विदेशी शक्तियों के मगर ला के। नहीं, जैसे ये किसान कह रहे हैं कि ये बिल पहले बिहार में था वहाँ पे बिल्कुल बुरी तरह फेल हुआ है, आप पूरे हिंदुस्तान में कर रहे हैं उसका क्या कर रहे हैं? जब एक चीज़ फेल ही हो चुकी है हमें उसे क्यों लेके आना वापस? ये कानून जिहड़ा सीगा प्रॉपर इन्होंने लागू नहीं किया, बिहार के यूपी के कोई फेल नहीं होया, उत्थे मंडीकरण सही नहीं सी, मंडीकरण जिवें जिवें बन रहा उत्थे उवें जिवें इस तरह कहना फसल बद रही है। यही तो असं कहने कि पहले जिहड़ियां वड्डियां कंपनियां सी किसानों नूं लुट रहियां सी, इत्थे पंजाब दे विच पहलियां दे विच हरी क्रांति आ गई और साडे जिहड़े व्यापारी वर्ग सी वह भी सूझवान सी, जल्दी इत्थे मंडीकरण होया, मंडीकरण की व्यवस्था होने दे नाल फसल समय सिर विक रही थी। अज बिहार यूपी राजस्थान उत्थे मंडीकरण सही हो रहा है, जदों की बीजेपी सरकार ने मंडीकरण किया तो अज किसान की उत्थे भी आर्थिक दशा सुधर रही है। नहीं, अच्छा, जैसे देखा जाता है कि वहाँ बिहार और यूपी के किसान पंजाब हरियाणा में आके अपनी फसलें बेचते हैं क्योंकि उन्हें वहाँ पे एमएसपी नहीं मिलती, तो सरकार बना क्यों नहीं देती है प्रॉपर बिल की जिसपे एमएसपी लिखते हो? एमएसपी जो कानून ही बन गया उन्होंने लिखा कितने जा सकता है, यही तो यह पटका रहे हैं ना। एमएसपी अपने आप च कानून है, जो फूड सिक्योरिटी बिल बनया होया फूड सिक्योरिटी के जो पाबंद आया सरकार के किन्ने लख लोगों फ्री भोजन देना है पेट भरना उन्होंने जो अन्नपूर्णा स्कीम चली जानी है वो जो अनाज परचेज करना है वो एमएसपी के थ्रू हो रहा है, जी उतनी स्टेट सरकार है वो जिम्मेवारी बनती होंगी जोड़ा बाकी फंडिंग आ स्टेट सेंटर तो फंडिंग आ जाती है, स्टेट जी सरकार है वो अगर फंडिंग नहीं करती, वो किसान घबरा करते जी देखो एमएसपी तो बिक नहीं रहा, अदरवाइज कितने भी कोई ऐसे देश के मंडी नहीं है जिते एमएसपी तो कोई फसल घट बिक सकती है। हुण पिछे जे पंजाब च कह रहे सी कि जी मक्की दा 1700 रुपए दा 600-900 रुपए बिक रही है, असी बार बार स्पष्ट कर रहे कि पंजाब सरकार दा एमएसपी क्यों नहीं पूरा करती, ये स्टेट सरकार की जिम्मेवारी है, जो फंड सेंटर तो आ रहे हैं तो क्यों नहीं उसनों एमएसपी ते खरीदी, सिर्फ किसानों नूं भड़काउण वास्ते गुमराह करन वास्ते कि केंद्र सरकार का जिहड़ा एमएसपी है एक छलावा है जां होर है इस तरह भड़का रही है। एमएसपी ते ही जो चीज़ कहते हो एमएसपी ते ही बिकेगी। अच्छा, जैसे बिल में है कि आप जितना मर्जी जमा कर सकते हैं, इस हिसाब से जमाखोरी पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, लोगों को चीज़ें महंगी मिलेंगी अगर जमाखोरी बढ़ती है? ये जमाखोरी का जो करी जाते हैं ये तीन तरह के होंगे, एक होंगे जेडे कणक खाने वाले अनाज वो जमाखोरी नहीं हो सकती ना ही कोई कर रहा, गवर्नमेंट ने खुली छूट दे दी व्यापारियों को, इतने बड़े व्यापारी आएंगे अडानी अंबानी जैसे वो कहीं पे भी जमाखोरी कर सकते हैं उस चीज को स्टोरेज के लिए, कोई एमएसपी से खरीद रहा है कि जमाखोरी होगी? एमएसपी के नाल तो इसका जमाखोरी का तलक ही नहीं है, एमएसपी और जमाखोरी अलग चीज है, जमाखोरी तो रोकया गया जे असल जो बदनाम किया कि जे कमीशन एजेंट जे आड़ती कमीशनखोर कहा गया, कमीशनखोर साढ़ा आड़ती कमीशनखोर हो जाएगा
ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨੌ ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਤਾਂ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਸ 'ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ 20 ਰੁਪਏ ਦਾਲ ਲੈ ਕੇ 120 ਰੁਪਏ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਅਨਾਜ ਕਦੇ ਵੀ 20 ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ 30 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਨਾਜ, ਉਹਦਾ ਆਟਾ ਵਿਕੇ ਔਰ ਆਟੇ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਹੈ। ਜੇ 20 ਰੁਪਏ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਪਸਾਈ ਪਾ ਕੇ 25 ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇ, 30 ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਖਰੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਔਰ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਖਰੀਦ ਵੀ ਰਹੀ ਆ ਅਨਾਜ, ਤਾਂ MSP 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਦਾ ਤਾਂ ਚਾਂਸ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਸ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲਾਈਸੈਂਸ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਆਟਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਸ ਲਈ ਲਾਈਸੈਂਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਟੈਕਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰੇਟ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਦੁਸ਼ਟ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਦਾਲਾਂ ਔਰ ਐਸੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 5 ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ 10 ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਦਾਲਾਂ ਜਾਂ ਪਿਆਜ਼ ਉਹਦੇ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਜੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਰਕੀਟ ਭੇਜਦੇ ਤਾਂ ਜੋ ਬਲੈਕਮੇਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ, ਉਹ 'ਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ ਲਗਾਇਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਆਹ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਰੇਟ ਵੱਧ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਸੰਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਉਸਦਾ ਉਹ ਐਕਸਪੋਰਟ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਅੱਛਾ, ਜੈਸੇ ਆਪਕੀ ਬਾਤੋਂ ਸੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਮੈਂ MSP ਲਾਗੂ ਹੋਗੀ, ਜੈਸੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ ਮੇਂ ਥੀ, ਕਈ ਸਟੇਟੋਂ ਮੇਂ ਨਹੀਂ ਥੀ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਕੇ ਹਮਾਰੇ ਯਹਾਂ ਪੇ ਕਣਕ ਵੇਚਨੇ ਆਤੇ ਥੇ, ਉਨ੍ਹੇ ਯਹਾਂ ਪੇ 1900 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਮਿਲਤਾ ਥਾ, ਵਹਾਂ ਪੇ 1600-1400 ਰੁਪਏ ਐਸੇ ਕੁਛ ਚਲਤਾ ਥਾ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ 'ਚ MSP ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 1965 ਤੋਂ MSP ਆ, MSP ਵਧਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਆ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਹਰ ਜਿਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ MSP ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰਜਨ ਵਧਾਇਆ। ਹੂ ਬਹੂ ਸੁਬਰਾ ਆਪਣੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਕਣਕ ਵੇਚਦੇ ਸੀ ਜਾਂ MP 'ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਵੇਚਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਰਗੈਨਿਕ ਕਣਕ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਤੋਂ ਕਣਕ ਹੈ। ਉਹ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਇਹੀ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਨਹੀਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਬਣਾਓ, ਔਰਗੈਨਿਕ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, 2-2 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੇ ਲੋਨ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਜ ਤੋਂ 90% ਸਬਸਿਡੀ 'ਤੇ ਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਹੀ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੈਨੀਫਿਟ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ FPO ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਆਈ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਆਪਣੀ ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣੀ ਆ, 1,000 ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਬਣਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ 2 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦਾ ਲੋਨ ਦੇਣੀ ਆ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ 90% ਸਬਸਿਡੀ ਔਰ ਵਿਆਜ ਵੀ ਨਾ ਮਾਤਰ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਸੰਦ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੋ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲੋਨ ਲੈਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 1.5 ਰੁਪਏ ਸੈਂਕੜਾ ਵਿਆਜ ਹੈ, ਇਹ 'ਤੇ ਮਾਤਰ 30 ਪੈਸੇ ਵਿਆਜ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਰਿਹਾ ਵਿਆਜ। ਉਲਟੋ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਵਿਆਜ ਆ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਉਹਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲਾਭ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ 50,000 ਦਾ ਸੰਦ ਆ ਉਹ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਕਰ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 5 ਲੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਵਾਰ ਵਾਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਓ, ਫਿਰ ਬਹਿਸ ਕਰੋ ਔਰ ਬੈਠੋ ਇੱਕ ਟੇਬਲ 'ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਆ, ਸਾਡੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਸਾਡੇ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣਨਗੇ ਔਰ ਉਹ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੌਣ ਉੱਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੌਣ ਕੋਈ ਮਹਿਲਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਮਿਲਦੇ ਵੀ ਆ। ਅੱਜ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਹਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਸਮਾਨਯ ਮੱਧਿਅ ਵਰਗ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੜਕ ਬਣਾਈ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲੱਭ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਕੋਈ DC ਜਾਂ SSP ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਜਦੇ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਚੁਣਵੇਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਚੌਕੀਦਾਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਆ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਜਾਂ MP ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਣਕ ਦੀ ਜਾਂ ਚਾਵਲ ਦੀ, ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਰੇਹ ਸਪਰੇਅ ਕਰਕੇ ਉਸਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਆਪਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅਰੇਬੀਅਨ ਕੰਟਰੀ, 22,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਬਾਸਮਤੀ ਚਾਵਲ ਦੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਉਹ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, 11-21 ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਉੱਨਤ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਹੈ ਬਾਸਮਤੀ ਚਾਵਲ ਦੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਰਾਹ ਪਾਇਆ ਔਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਹੈ ਖੇਤ ਕਿਸਾਨ, ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਰੇਟ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੇਹਾਂ ਸਪਰੇਅ ਇੰਨੀਆਂ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਅੱਜ ਜੋ ਅਰੇਬੀਅਨ ਕੰਟਰੀ ਉਸ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਘੱਟ ਕੇ 1.5 ਲੱਖ ਰਹਿ ਗਈ। 1.5 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਘੱਟ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਲੋਸ ਹੋ ਗਈ। ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹਦੀ ਡੁਪਲੀਕੇਸੀ ਕਰਨ ਦੀ, ਪਰ ਉਹ 'ਚੋਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚਾਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੈ।
मैं यही किसानों को फिर अपील करता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी अपील जो करते पे आ वो किसानों यही कहते पे कि अज क्वालिटी क्वांटिटी क्वालिटी बनाई जाए। ऑर्गेनिक का जमाना है, जी रुपये वाली चीज़ है 20 रुपये वाली चीज़ है वो थोड़ी 200 रुपये के जी तक बिक सकती है। अज इजराइल का चाइना का किसान एक एकड़ के एक करोड़ की फसल करता है, हिंदुस्तान का क्यों नहीं, क्योंकि उन्होंने वो टेक्नोलॉजी नहीं दी गई, उन्होंने समझाया ही नहीं गया। अज उस तौर पर किसान इतने भी अगर असी टेक्नोलॉजी वाइज खेती करा तो एक किसान एक एक एकड़ के जोड़ा दो दो पांच एकड़ वाला किसान वो दो दो करोड़ की फसल कर सकता है। मैं हमने एक इतने साढ़े करनाल जाके आए हैं, बहुत ही एक उद्यमी किसान है, वह गूगल बहुत वीडियो पोस्ट सी और मुंडे ने आई आई टी की, वो को 16 एकड़ जमीन है, वो 16 एकड़ चो उन्हों पैकेज मिलता सीगा जिहड़ा सारा 50 लाख का, अज वो अपना 15 करोड़ रुपया उसको कमाता पे, सारे खर्चे कट के कहते जी मैंने 7-8 करोड़ रुपया बचता पे 10 करोड़ तक। कहता बाबा जी टैक्नीकल खेती का जमाना है, सानू टैक्नोलॉजी अपनानी पवेगी और खेती जो उद्योगी कर दिता मोदी ने पहली बार है, इसमें रिफॉर्म भी होगा परफॉर्म भी होगा और जो किसान आत्महत्या कर रहे हैं वो आत्महत्या तो बिल्कुल नहीं है और मजदूर भी खुश होगा और जो व्यापारी जो एक वहम पाया गया मंडिया का मंडिया में कोई खतरा नहीं। हाँ जी, जैसे किसान कह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए, आपका उसके बारे में क्या? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के उत्ते बहुत बड़ा एक सशो पंज गुमराह करने प्रचार किया कि बड़े घराने होंगे और किसानों दियाँ 1000-1000 2000-2000 5000 एकड़ जमीन लेके उत्ते खेती कर। ये एक गल क्लीयर करते हैं, स्पष्ट है कानून की कापियां पढ़न, कोई भी वड्डी कंपनी किसान की जमीन ना गिरवी गहने लै सकती है ना बै लै सकती है, और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग सिर्फ वो फसल का हो। फिर इन्होंने किसानों को गुमराह किया कि वह जमीन दियाँ फरदा लैणगे वो लोन लैणगे, जो कल उन्होंने लोन ना भरिया तो किसान की जमीन कुरक हो। हिंदुस्तान दे विच एक ऐसा कानून पहली बार आया कि इहदा कानून नाल जिहड़े NRI भरा साढ़े 100-100 साल के गए हुए और उन्हां दीआं जमीनां खुद किसानां ने ही नप्पियां होईआं, कोई राजनीतिक पार्टियां ने कुछ अफसरां ने कब्जे किए हुए आ, वह जमीनां भी वापस होणगीआं, नवीं दे विच जमीन नूं तां कोई खतरा ही नहीं है। अगर वह कंपनी लोन लैंदी आ तां वह लोन अपनी प्रॉपर्टी उत्ते दे के उसके अगेंस्ट लोन मिलेगा, इस तरह बैंक कली फर्द के उत्ते कली फसल के उत्ते लोन देने वाला नहीं है। उस तो वड्डी गल कि किसान जिहड़ा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेगा वह 1 साल के लिए जां 5 साल के लिए आ, फिर ये घबराह करते हैं कि किसान अदालत च नहीं जा सकता। ये तो बहुत वधिया गल है कि किसान अदालत के चक्कर चो कढ़िया, प्रधानमंत्री जी ने उसनू एक बंधित करता कंपनी ने कि कंपनी को खतरा है किसान को खतरा नहीं है। पहले की हुंदा सीगा कि जिवें पैप्सी या होर कंपनियां आईया हुई सी आलू बजाउंदियां जां टमाटर बजाउंदियां सी, अगर टमाटर सस्ता हो जाता सी तो उहदी क्वालिटी गलत दस के तो छड़ के भज जांदियां सी, जे महंगा हो जाता तो चक्के लै जांदियां सी। हुण इहदे विच होर बहुत वधिया करता, अगर सस्ता हो गया तो कंपनी चकना पऊ, अगर फर्ज करो उहने 5 रुपये का उहदे नाल एग्रीमेंट किया कि 5 रुपये किलो जां 500 रुपये क्वांटल असीं चकांगे, तो उस दौरान भा हो गया 1000 रुपये तो 500 रुपया एक्सट्रा जो क्वांटल का बच रहा वो किसान 250 रुपया होर देना पवेगा, यानी एग्रीमेंट होया 500 रुपया और किसान देना पवेगा 750 रुपया। इन्ना वधिया जिहड़ा ये कहिंदे कानूनी हक नहीं दिता, अदालत नहीं जा सकता किसान, अदालत चो कितने मनाही नहीं है। पहली गल तो उसने एक कानून बनाता, वो परफॉर्मा करके अगर कोई कंपनी धोखा करने की कोशिश करती है, पहली गल तो कोई स्थान ही नहीं धोखे को, कंपनी के पूरे हाथ वढ़ दिते, फिर भी कोई लगता भी है कि 0% चांस, तो वह किसान एक परफॉर्मा के तहत DC उसका चेयरमैन होगा और वह फार्म भर के उन्हें SDM दे देना बिना किसी वकील की मदद तो, ये किसी वकील को फीस भी नहीं देनी पैनी और SDM एक हफ्ते के अंदर अंदर बंधत है उसका फैसला देने लई। फिर की हुंदा सी अगर SDM दे केस करता तो जिहड़े लैंडलॉर्ड हुंदा सी वड्डी कंपनी हुंदी सी जां कोई वड्डा आदमी हुंदा सी जां वड्डा घराना वह अदालत चल जाता है, तो वह कंपनी को अदालत जाने का कोई हक ही नहीं है, तो किसान ने अदालत जाके लेना ही की है। फिर यह कहें जी उसे पोलिटिकली प्रेशर है जी पैसे थले विक जू ज प्रशासन, उन्होंने शंका बिल्कुल सही है, असी शंका कि नहीं करते क्योंकि जो 70 साल तो हों आ रहा है बहुत धक्का होया, पर इस कानून के तहत जो वकील की जरूरत नहीं तो फिर कानून की जरूरत पेगी, इतने उन्होंने समझना पेगा, उन्होंने इस चीज़ को जानना पेगा कि सूँ बहुत बड़ा गुमराह किया जा रहा है।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨੁੱਕੜ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, 3 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, 4 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਬਰੀ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਔਰ ਗਲਤ ਪ੍ਰੋਪੋਗੰਡਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ 35,000 ਲੋਕ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 35,000 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਔਰ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਲਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡਾ ਕਲਾਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ। ਔਰ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂ ਦੁਸ਼ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਚਲੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਮੋਦੀ ਜੀ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਹਰ ਫਸਲ ਦੇ ਉੱਤੇ 35 ਤੋਂ 30,000 ਰੁਪਇਆ ਪਾ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਉੱਨਤੀ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਵੀ ਸਹੀ ਸਿਰ ਪਾ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਲੋਕ ਨੇਗੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਬੀ ਡੀ ਓ ਨੇ ਲੈਟਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਡੀ ਸੀ ਨੇ ਲੈਟਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਥਾਣੇਦਾਰ ਤੱਕਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, SSP ਇਨਵੋਲਵ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦੇ ਲਾਏ ਗਏ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 50 ਬੰਦੇ ਭੇਜਣੇ ਹੀ ਭੇਜਣੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮਿਟ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਬਰੀ ਰੈਲੀ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਜੋ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਜੈਸੇ ਆਪਕੀ ਬਾਈਵਾਰ ਪਾਰਟੀ ਆਪਕੋ ਛੋੜ ਗਈ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਕੋ ਉਸਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ ਕਿਆ ਕਹਿੰਗੇ? ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਇੱਕ ਦੁਰਭਾਗਿਆ ਕਹੂੰਗਾ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਣਿਆ, ਤਾਂ ਇੱਕ 2017 ਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰੀਆਂ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੂੰ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜ਼ ਕਰੂੰਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ 1,00,000 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 1,00,000 ਟੈਕਸੀ ਦੇਊਂਗਾ, 25,000 ਟਰੈਕਟਰ ਦੇਊਂਗਾ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇਊਂਗਾ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦੇਊਂਗਾ, ਔਰ ਗੁਟਕੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ, ਐਡੇ ਪਾਵਨ ਗੁਟਕੇ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਵੀ ਗੈਰਤ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਾਂ PIL ਪਾਈਏ ਕਿ ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਤਾੜਿਤ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਕੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਉਹਨੇ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਕੇ ਇਸਨੇ ਇੱਕ ਰਾਜਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਜੋ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲਏ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨਾ। ਅੱਗੇ 'ਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗੁਟਕਿਆਂ ਦੀ ਸਹੁੰ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਸੱਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਜਾਂ ਧਰਮ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਬਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਦੁਰਭਾਗਿਆਪੂਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ NDPC ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੀ ਸ਼ਰਾਬ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਕੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸਰਵੇ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਰਾਬ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮਨ ਭੈਣ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਬਾ ਬੋਹੜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਕਫੁੱਟ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉੱਨਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਛਲ, ਇੱਕ ਸੱਤਾ ਦੇ ਖਾਤਰ, ਇੱਕ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀ ਛਲ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ, ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ BJP ਕੀ ਕੋਈ ਬਾਤ ਵੀ ਜੈਸੇ ਕਿ NDA ਸੇ ਅਲਗ ਹੋਣੇ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ NDA ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੂਝਵਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਇਹ ਆਪਣੇ ਰਾਜਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਲਿਆ,
ना कि किसानी हितों लिए जां पंजाब दे हितों लिए लिया, इन्हां नूं पुनर्विचार करना चाहिए। और ऐसी दुख जो देश किसान रिफॉर्म वाले पासे परफॉर्म वाले पासे जा रहे उस समय अपने राष्ट्रीय हित नूं अगे रखना और लोक हित नूं पिछे रखना ये चंगी गल नहीं है, ये किसी किसान हित जां पंजाब हित नहीं है। आपका सीधा आरोप है अकाली दल पे कि वो अपने हितों के लिए लड़ रहे हैं, किसानों के लिए नहीं लड़ रहे। नहीं, एक राजनीतिक पार्टी जी है कि कांग्रेस भी है और जिन्हिया भी है चाहे आप वाले हो सारे ही किसान की आड़ दे विच किसानों अगे करके आपके राष्ट्रीय हित साध रहे। किसी नूं किसान की चिंता नहीं, किसान की चिंता होंगी तो अच्छ किसान जी दुर्दशा हो रही है। अज वह हरेक किसान लखां रुपए का करजाई होया, जे अगर चंगीआं पॉलिसीआं लैके आंदियां हुंदियां तो किसान करजाई क्यों हुंदा? किसान दे समय सिर उन्होंने किस तरह ब्याज घट करने चाहिए थे, उन्होंने सबसिडी नूं डायरैक्ट सबसिडी मिलनी चाहिए जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी जी ने डायरैक्ट खातों के पैसे पा रहे हैं। इन्ना फंडिंग इन्नी कांग्रेस को फंडिंग से 70 साल का राज सी, उन्होंने क्यों नहीं ये चीज़ें सोचिया? जैसे पंजाब में अकाली दल कहता है कि वो किसानों की पार्टी है, वो इतने टाइम से आपका सीधा आरोप लग रहा है उन पर कि वो नहीं पहुँचा सके वो किसानों तक उनका लाभ। देखो, किसान दे घरे जन्म लैण दे नाल कोई किसान नहीं हो सकता, फौजी दे घरे जन्म लैण कोई फौजी नहीं हो सकता, ब्राह्मण दे घरे जन्म लैण कोई ब्राह्मण नहीं हो सकता। ये कर्म प्रधान है, तुसीं कर्म खेती जो करते हो किसानों के कल आप करते हो आपके हित लिए करते हो गल वक्री है फिर तुसीं एक किसान। लेकिन अपने हित दे लई तुसीं किसी दे नाल हितां नूं पिछे करोगे वो ठीक नहीं है। जे इन्ने पढ़े लिखे आ, मैं तो एक आम जट है अनपढ़ बंदा है, मैं इस नूं पढ़ सकदा बिलू मैं मैनू जो समझ ना लगी अंग्रेजी हिंदी नहीं जानते सी तां मैं इहनूं पंजाबी च अनुवाद कराया, पंजाबी च अनुवाद करके इहनूं पढ़िया वकीलों को लैके गए, वकीलों ने सारे इहदी प्रशंसा की, कहिंदा यार इस बिल ही नहीं आया कोई, ये तो बहुत अच्छा बिल है। तो ये इन्ने पढ़े लिखे विदेशों से पढ़े हुए भी इस तरह का एक बिल का विरोध करते पे आ, तो यह पंजाब के भी समझ तो बहर है और नौजवानों के भी समझ तो बहर है कि इन्होंने राजसी हितों वास्ते सोचे नहीं पंजाब ने कुछ। ये थे हमारे साथ सुखपाल सिंह सरा जी, कैमरामैन विक्की दीप और शमशेर सिंह के साथ मैं अनिल कुमार। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें।